मुझे तेरा सूट के बिना निकल दिया, मैं लैंडिंग नहीं कर सकता, मेरा कमर भांग गया। तो दोस्तों कैमरा मैन इधर आओ, इधर आओ। तो देख सकते हैं मुझे ये मिला है, तो इसमें ज्यादा बहुत प्रोटीन होता है। ये क्या का सूट होता है यार कैमरा मैन, बोलो यार। अरे इसको तो चीना डोली बोलते हैं। देखो यार चीना डोली का, इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, कार्बन हाइड्रोक्साइड था यार, विटामिन ए सी सी होता है, तो मैं इसको सादे के पी सकता हूँ। क्या टेस्टी है, बहुत नमकीन है बे। पर चलो कैमरा मैन, चलो यार ये भी जाओ मेरा। देखिए दोस्तों यार, यार इतना बड़ा सा सांप दिख रहा था मुझे, वो कहाँ गया? देख 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 उधर 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 गया यार। कैमरा मैन आ जा मेरे पीछे, कैमरा मैन आ जा आ आ मेरे पीछे आ गया मेरा मैन, आ आ आ कहाँ गया होगा सांप, कहाँ गया होगा? मैं हूँ बेयर ग्रिल, आप देख देख सकते हैं मैं हूँ डुप्लीकेट बेयर ग्रिल, आ जाओ। ओह आप देख सकते हैं यहाँ कितना केसर का, केसर का सही है, इसमें कितना बिमल भरा हुआ है, कितना बिमल कितना स्वादिष्ट है। तो मैं एक बिमल को ऐसे तोड़ता हूँ, तो आप देख ही सकते हैं दाना दाना में केसर का दम। तो मैं इसको आप देख ही सकते हैं केसर का दम, दाना दाने में केसर का दम इसमें। तो मैं इसको खाऊंगा, बहुत मीठा है बे, बहुत अच्छा है। शायद औदे दमन में लगा कर गया है, कैसे कदम दाने दाने में कैसे कदम, मैं पॉकेट में रख लेता हूँ क्योंकि मेरे बाद में काम आएगा ये। तो लेट स्टार्ट, चलो मेरे पीछे पीछे आओ कैमरा मैन, तुम भी आओ मेरे पास। देखो ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा कला है, ये कला है। तो किस स्टेट का कला हो सकता है, शायद इसको मोदी जी ने इसको लगा कर गया है इस पेड़ को। तो मैं इस पहले बहुत खतरनाक होता है, बहुत डेंजरस होता है, इसमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो आदमी को अंदर में जो अंदर का जो ढील है वो फेंक देता है। मतलब मैं समझ दे रहा हूँ कि मैं तो बेयर ग्रिल हूँ ना, मैं तो खा ही सकता हूँ, लेकिन गलती से आप लोग इसको मत करिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं कैसे खाता हूँ, आओ इधर आओ कैमरा मैन, आ जाओ इधर। अरे यार ढंग से कैमरा धर मेरा, मेरे फेस पे इधर 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 धर। हाँ देखो मैं इसको तोड़ रहा हूँ अभी। अरे दोस्तों ये केला देख रहे हैं आप, तो दोस्तों ये आप केला देख रहे हैं, तो ज्यादातर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, मोदी जी ने लगा कर गया है ना, इसलिए मैं तो पी खा ही सकता हूँ के लोगों, क्योंकि मैं तो डुप्लीकेट बेल गिरे ले हूँ, मैं पी सकता हूँ खा ही सकता हूँ। देखिए इस कले को देखिए आप कितना स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन आप गलती से भी इस कले को मत खाइएगा क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। तो मैं तो खा ही सकता हूँ यार दोस्तों, तो मैं इसको निकाल रहा हूँ। दोस्तों देख ही सकते हैं आप, शायद ये मेरे कैमरा मैन काम आएगा। तो दोस्तों देख ही सकते हैं आप कितना स्वादिष्ट है, आ कितना नमकीन है, पिता पिता बहुत टेस्टी है। कैमरा मैन पकड़ ले, तू ही खाए। तो मेरे पीछे साहब कैमरा मैन जा, आ जा। देखिए इस हरे भरे जंगल में ये तोस कहाँ से आया, मैं कह रहा हूँ ये तोस कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ तो लोग तो नहीं रहते हैं ना, तो ये तेज क्या है, तोस क्या है, यहाँ कैसे आया? तो कहना मैंने यहाँ शायद इसके इसके बैटरी भी ठीक है, कहे तक से दो दिन पहले शायद ओरिजिनल बैल गिरे लाया था यार, तो तोस क्यों सुर के गया ये? देखा आप मेरे काम आएगा रात में,
आओ मेरे पीछे बैठो, शायद एक दोस्त मेरे रात में काम आएगा ताली करने के लिए तो लेडीज साइड मेरे पीछे आओ, आओ 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 गाछ जो पेड़ लगा हुआ था कैसा दाने दाने का दाम वो मैं पिया हूँ आज बहुत मुझे दर्द रहा है सीने में तो मेरे बहुत प्यास लगी है तो आप इस जंगल में पानी कैसे तो मैं आपको दिखा दूंगा पानी इस पेड़ में होता है ये तो पेड़ दिख रहा है आपको इस पेड़ में पानी होता है तो इसको पानी कैसे निकलना होता है तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये ज्यादातर लोगों को घर में भी होता है ये गैस केले का गैस है केले का तो उसको पानी कैसे निकलने का ना खा सकते हैं आप तो कैमरा मैन मेरे मुँह में धरो ऐसा खाना है ऐसा करके ऐसा पहले तो आपको हेड निकल रहा है ऐसा पीता नमकीन शायद बैरगेल जैसे सुसु करके गया है ना बोला पिटिया में ऐसा खाता हुआ दादा पानी हो गया मेरा तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं यहाँ कितना बड़ा हरा खेत है देख सकते हैं धान खेत है ये हमारे यहाँ धान खेत होता है ये खाने के लिए राइस इतने मतलब है इसका राइस ये राइस बोलता है हमारा जो इंडियन राइस है ये सिर्फ 5 से 2 रुपये के ये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ग्रीन लैंड है ये मैंने दिखाओ यार ये ग्रीन लैंड है बहुत हरा भरा ग्रीन लैंड है बहुत खतरनाक है इसमें बहुत ज़्यादा साफ रहता है और कुछ भी रहता है मुझे पता ही नहीं है इसमें क्या रहता है शायद यहाँ बेयर ग्रिल आया था छोटा मोटा घर देख रहे हैं उसमें छोटा मोटा घर शायद तो बैरगेल रात में रहने के लिए वो घर बना कर गया है। तो दोस्तों इस ग्रीनलैंड में बहुत ही ज्यादा हसास बात है क्योंकि इस ग्रीनलैंड में हरा हरा फूल है देख सकते हैं आप। अरे क्या मैंने झूम करके दिखाना यार देख सकते हैं आप देख सकते हैं इसमें ज्यादातर गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड इसमें पार्क में रात के ताली करने के लिए आते हैं तो मेरे पीछे पीछे जाओगे मेरे मैन आ जाओ आप देख ही सकते हैं अरे यार दोस्तों आप देख ही सकते हैं इस घर को देखिए दोस्तों 5 तला बिल्डिंग है ये आप देख सकते हैं दोस्तों 5 तला बिल्डिंग है बेर के लाकर इसमें खुद पैसा लगा कर खुद इन्वेस्ट करके लगा कर बेर गिर नहीं है बारह के बना करके गया है तो इसमें मैं आज एक रात रहूंगा तो इसके लिए मैं इसको घर घर के अंदर में जा रहा हूँ तो क्या मैं पीछे पीछे आऊँ शायद इसमें लोग रहता है तो ये मैं आओ इधर आओ तो देख सकते हैं आप बैरगेल में कितने अच्छे से खाट पालंग बना कर गए हैं तो मैं बैग यहाँ रख देता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं आज बारिश होने वाला है तो दोस्तों क्या बारिश होता है दोस्तों यह देखिए मुझे पानी तो कोई पानी का तो कोई जरूरत ही नहीं है दोस्तों क्योंकि यहाँ पानी भी है बैरगेल शायद बैरगेल यहाँ गद्दा खुद के यहाँ पानी जमा कर गया है मेरे लिए तो आप वीडियो को पोस्ट कर लीजिए बे वाला है तो दोस्तों मुझे तो कुछ खाने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा तो इसमें तो कैमरा मैन आप देख ही सकते हैं यह कितना हरा भरा यह घास है तो आप आ सकते हैं मेरे पीछे आप प्लांट है जो भी है ये मोदी का शहर है ना इसलिए मैं ज्यादा बोलते रहता हूँ दोस्तों मेरा बैग वहाँ छोड़ के आया हूँ मैं तो ले
स्टार्ट मेरे बीच में साहब। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कितना हरा भरा ये क्या बोलता है इसको, क्या बोलता है इसको, देखा ना यार कैमरा इधर लगे लेकिन मैं खा सकता हूँ, डुप्लीकेट बेल गन होना, मैं इसलिए खा ही सकता हूँ। तो इधर आओ क्योंकि ये मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, शायद या ऐसा नहीं लग रहा है, मैं इसको नहीं खाऊंगा। थोड़ा दूसरा ट्राई करता हूँ।